अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है, बहुत ही अच्छी खबर है, साथियों बताना चाहूँगा। फर्स्ट एविक्यूज फ्लाइट फ्रॉम काबुल सिंस US एग्जिट लैंड इन दोहा। साथियों बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों के बाद, आपको पता होगा कि तालिबान अफगानिस्तान के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसके बाद अफगानिस्तान पे पूरा तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो साथियों पहली बार ऐसा हुआ है बहुत दिनों के बाद कि काबुल से फ्लाइट उड़ान भरी 100 पैसेंजरों के साथ और दोहा एयरपोर्ट पे वो लैंड की है। यानी काबुल एयरपोर्ट से दोस्तों थर्सडे के दिन फ्लाइट उड़ान भरी थी और पहला फ्लाइट जो है वो लैंड की दोहा एयरपोर्ट पे, जिनमें इंक्लूडिंग अमेरिकन अरबी इसमें शामिल था। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि धीरे धीरे जो है वो तालिबान पहले से नॉर्मल हो रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद जो करने वाला कंट्री है वो कतर है और टर्की वगैरह जो काफ़ी इसमें मदद भी कर रहा है और पाकिस्तान भी इसमें काफ़ी मदद कर रहा है तालिबान को रिकवर होने में। अगली जो खबर साथियों आ रही वो भी काफ़ी बेहतर खबर है साथियों। टोटल COVID-19 रिकवरी इंक्रीज टू 231,538। साथियों मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर 88 नए केस वहां पे रजिस्टर किया गया, जिनमें से 55 लोग ट्रैवलर है, यानी जो विदेश जो दूसरे मुल्कों से जो आ रहे हैं उनमें से 55 लोग शामिल, मतलब दोस्तों वहाँ के लोग काफ़ी कम संक्रमित हुए हैं। MOPH का ये भी कहना है कि 24 घंटे के अंदर 189 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। टोटल रिकवरी की संख्या है 231,538 है। वहाँ पे नेशनल वैकेंसी प्रोग्राम डाटा के हिसाब से बताया गया कि 45,61,509 लोगों को अब तक वहाँ पे COVID-19 का वैक्सीन जो है वो दिया जा चुका है। 24 घंटा में 10,827 लोगों को वैक्सीन दिया गया। 95.5% दोस्तों पॉपुलेशन ऐसा है जो कि 12 साल या 12 साल से ज़्यादा है, वो एटलीस्ट वन डोज उन लोगों को दिया जा चुका है और 82.9% टोटल पॉपुलेशन ऐसा है जो कि एटलीस्ट वन डोज ऑफ वैक्सीन उसे मिल चुका है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि धीरे धीरे जो है वहाँ लोग वैक्सीनेटेड भी हो रहे हैं और रिकवरी की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगली जो खबर है, गैलरी 38 ओपन टू कटारा। साथियों बताना चाहूँगा कतर में एक वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है जिसका जनरल मैनेजर ऑफ कल्चर विलेज फाउंडेशन कतारा, जिनके हेड डॉक्टर खालिद बिन इब्राहिम अल सुनैती साहब ने, उन्होंने बताया कि गैलरी 38 बिल्डिंग 38 कटारा थर्सडे के दिन वहाँ पे लगाया गया, जो एक तरह का वो एग्जीबिशन होता है जिनमें से अलग अलग देश के इसमें लोग शामिल होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसमें 13 इंटरनेशनल आर्टिस्ट में शामिल किए गए, जिसमें से न्यूजीलैंड, चाइना, फ्रांस और सिंगापुर के लोग भी इसमें शामिल थे। तो दोस्तों ये कुछ दिनों का, ये मान के चलिए दोस्तों ये आर्टिस्ट यानी ड्राइंग वगैरह का ये एक तरह का कंपटीशन होता है, एग्जीबिशन होता है। अगली जो खबर है साथियों वो कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है, कस्टम फॉइल तंबाकू प्रोडक्ट स्मगलिंग एट हमद पोर्ट। साथियों एंटी स्मगलिंग एंड कस्टमर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हमद पोर्ट में, यानी जो हमद जो बंदरगाह है वहाँ पे स्मगलिंग की तंबाकू सामान को वहाँ पे पकड़ा गया है, जो कि एक कंटेनर के अंदर छिपा के लाया जा रहा था। जनरल अथॉरिटी ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट के यानी GAC की तरफ से इन्फॉर्म किया गया कि तंबाकू बैग को वहाँ पे एक बॉक्स में छुपा के लाया जा रहा है, जिसमें से करीब करीब 2.4 टन उसका वेट है। दोस्तों समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में उसे लाया जा रहा था। फिलहाल दोस्तों सभी को वहाँ पे सीज कर लिया गया, जो भी लोग इसमें शामिल थे उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्योंकि वहाँ पे तंबाकू लाना या बेचना या खाना वह दोनों सभी चीज़ वहाँ पे कानूनन जुर्म है। तो फिलहाल सभी को सीज करके सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दोस्तों एक बात और बताई गई है कि मॉनिटरिंग सिक्योरिटी नोट्स कंप्लीट सिक्योरिटी वाया हॉटलाइन नंबर। दोस्तों इसमें कोई भी आपको यदि ऐसा कहीं लगता है तो आप 1650 पे आप कॉल 00 पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर kafia@custom.gov.in पे आप मेल भी कर सकते हैं, आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि गलत काम हो रहा है तो। अगली जो खबर आ रही है साथियों वो आ रही है कतर और पाकिस्तान को लेकर, कतर पाकिस्तान कॉल फॉर सपोर्ट टू अफगानिस्तान। दोस्तों कतर और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों आज बातचीत हुई है, कतर के आमिर और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, दोनों के बीच में बातचीत हुई है। बातचीत दौरान दोस्तों ये हुई कि किस तरह से हम लोग अफगानिस्तान की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि अफगानिस्तान जो है पहले जैसा वो रिकवर हो सके। तो दोस्तों ये कुछ खबर थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़ एंड